कि जब जगजीत अंकल के आइटनरीज जाती थी ऑर्गेनाइजर्स के पास, तो वो ऑर्गेनाइजर बोलते थे कि इसमें तो दीपक पंडित का नाम नहीं है। एक ने बोला, दो ने बोला, तीन ने, चौथे ने किसी ने बोला, उसका दिन खराब होगा उस दिन, बोला तुमको दीपक पंडित का शो करना है या मेरा करना है। अच्छा, मेरे को खुद बताते भी थे फोन करके। तो बोला नहीं नहीं सर, आपका ही है वो कॉन्सर्ट, तो आपका है, लेकिन वो साथ में होते हैं तो बहुत मजा आता है। हाँ, तो बोला मजा आता है तो उसको कर लो, सोलो कर लो उसका, वो अभी नहीं बजाता वो। तो ऐसे करके उन्होंने फोन रख दिया। फिर वो ऑर्गेनाइजर का वापस से फोन आया उनके पास, बोला नहीं ठीक है कोई बात नहीं। तो जगजीत अंकल ने वो ऑर्गेनाइजर को कहा कि आप उसको डायरेक्ट कांटेक्ट कर लीजिए, मुझे प्रॉब्लम नहीं। तो एक होता है ना कि आपको कोई डायरेक्ट फोन करता है तो आपको आपका सीना चौड़ा हो जाता है। वो मेरी बदतमीजी थी एक्चुअली, और वो मैं कन्फेस कर रहा हूँ आपके आपके चैनल के माध्यम से। तो उन्होंने फ़ोन किया, बोला ऐसे ऐसे जज्जी जी का कॉन्सर्ट रखा है हमने और हम चाहते हैं कि आप उनके साथ बजाएं। तो मैंने बोला तो वो फ़ोन करेंगे ना, बोला नहीं हमारी बात हुई तो उन्होंने बोला कि आपने अभी कुछ अरसे से नहीं बजा रहे आप उनके साथ। मैंने हाँ, मैं मेरे सोलो कॉन्सर्ट्स के लिए या मेरे क्लासिकल के लिए मैं फोकस हूँ और उस पर ध्यान दे रहा हूँ, नहीं तो बोला कि आप ये कॉन्सर्ट कर लीजिए ना। अब क्या होता है ना कि सर मैं भी इंसान हूँ और गलती इंसान से ही होती है। और मैंने बोला ठीक है आप पेमेंट वगैरह क्या करेंगे, तो बोला आप बताइए। मैंने कुछ एक्स वाई जेड अमाउंट बोला एंड दे एग्रीड, एंड देन आई सेड कि आई नीड वन ये बिजनेस क्लास टिकट और आई नीड वन सेपरेट रूम, स्मोकिंग रूम। बोला फाइन, हो गया सर। हालांकि मैं इस बात के बाद एक और बात बताऊंगा, हालांकि अपना गए एयरपोर्ट पहुंचे, अब मैं कॉन्सर्ट किसका बजा किनका बजाने जा रहा हूँ, जगजीत अंकल का, लेकिन मुझे ऑर्गेनाइजर ने बुक किया। तो ऐसा एक दो चीज़ हुई थी। तो व्हेन आई वाज सिटिंग नेक्स्ट टू हिम फ्लाइट के अंदर, मज़े तो ले रहे हम लोग, मस्ती कर रहे सब कुछ, लेकिन मुझे बड़ा ऑड लग रहा था कि मेरी औकात नहीं है इनके पास बैठने की, मेरी औकात नहीं है इस तरह से बैठने की, औकात नहीं है। मैं जाके पीछे मेरी टीम के साथ बैठा, जावेद ढोलक बजाते थे, बहुत गुणी खानदान से थे, अभी नहीं रहे वो, बहुत यंग था वो लड़का, गुलाम मोहम्मद साहब के ग्रैंडसन, पाकीज़ा फिल्म में जिनका म्यूजिक था, तो वो जी थे, अभिनव जी थे, काफी सारे हमारी टीम के थे। प्रोग्राम हो गया सर वो, लेकिन दिल में मेरे बड़ा मलाल रहा कि मैंने ये क्यों किया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। जैसे मैं जाता आता रहा हूँ हमेशा, वैसे ही जाना चाहिए था मुझे। खैर, वो उसके बाद जब आते थे लोगों के फ़ोन तो मैं मना कर देता था, मैंने नहीं, वो मेरे को आना होगा तो जगजी जी को अंकल को मैं खुद बात कर लूँगा और वैसे आऊँगा, ऐसे डायरेक्ट मेरे को अप्रोच मत करिए आप। तो वो चैप्टर क्लोज हुआ।